ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू कर चर्चा में आई थी ये अभिनेत्री। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में है धाक। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में अपने दम पर पैर जमाने वाली अभिनेत्री पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को हुआ था। इस साल पूजा अपना 30वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। पूजा का जन्म मुंबई में ही हुआ था, तो ऐसे में उनका एक्टिंग से नाता जोड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कॉलेज के दिनों से ही पूजा एक्टिंग मॉडलिंग का शौक था और यही शौक उन्हें इंडस्ट्री में लेकर आ गया। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। असल में पूजा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल सुपरहीरो फिल्म मूगामुडी से की थी। फिल्म साल 2012 में आई थी, जिसमें उन्होंने शक्ति का किरदार निभाया था। इसके बाद ही पूजा के करियर की गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई और वो तमिल तेलुगु फिल्मों का एक जाना पहचाना नाम बन गई। पूजा ने कुछ समय पहले ही बॉलीवुड में कदम रखा है। उन्होंने पहली ही फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ काम कर अपनी नई और अलग पहचान बना ली। ये फिल्म थी साल 2016 में आई फिल्म मोहनजोदाड़ो। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन पूजा ने अपने कदम इंडस्ट्री में जमा लिए थे। इस फिल्म में काम करने के बाद ही पूजा को बड़े बैनर की फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। पूजा के बॉलीवुड डेब्यू का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। कहना गलत नहीं होगा कि पूजा को अपना पहला ब्रेक रणबीर कपूर की वजह से मिला है। दरअसल पूजा को पहली फिल्म मोहनजोदाड़ो के लिए ना तो आशुतोष गोवारिकर ने पसंद किया था और ना ही ऋतिक रोशन ने। हुआ कुछ यूं कि आशुतोष गोवारिकर की पत्नी ने पूजा को रणबीर कपूर के साथ एक विज्ञापन में देखा था। इससे प्रभावित होकर उन्होंने आशुतोष को पूजा का नाम अपनी आगामी फिल्म के लिए सुझाया और पत्नी का ये सुझाव आशुतोष को भी पसंद आया। पूजा की फैन फॉलोइंग भी काफी है, वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं। फैंस भी उनकी तस्वीरों को खूब पसंद करते हैं। पूजा ने करियर की शुरुआत ऋतिक के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 4 में भी काम किया। तो वहीं अब पूजा सलमान खान के साथ जल्द की स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली है।